क्वेश्चन नंबर छः, छः में लिखा हुआ दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये सब क्या है, इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदुओं परस्पर क्या करते हैं, संधिबाजी करते हैं। मध्य बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड, यानी यहाँ से और यहाँ मिलने वाले रेखाखंड आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को संधिबाजी। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर एक में किया था, सेम प्रोसेस पूरा का पूरा। पहले लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। फिर इसका मतलब क्या होता है कि मध्य बिंदु परमेय नियम है कि ये वाली भुजा इसकी क्या होगी, आपके आधी, वैसे ये वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी, आधी। सेम आपको मैंने क्वेश्चन नंबर एक में समझाया है, वैसे आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर एक को। फिर ये आ जाएगा कि पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक समान चतुर्भुज यहाँ भी आ जाएंगे। अब ये वाला तो आपके कि समान चतुर्भुज करने के लिए है, लेकिन इसने पूछा है कि उसके मध्य बिंदु को रेखाखंड को मिलाने पर, ये रहा मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, इनको मिलाना है आपको। ये वाला मिलाया और ये वाला मिलाया। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, संधिबाजित करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो आपको करना ही, फिर आगे क्या लिखना है आपको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को संधिबाजित करते हैं, वो परस्पर क्या करते हैं, संधिबाजित। ये हो गया आपके सवाल नंबर छः। यहाँ तो करना ही पड़ेगा सेम। अब यहाँ करने के बाद हमें ये विकर्ण समान चतुर्भुज के विकर्ण लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे संधिबाजित करते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि मध्य बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके सातवा, एबीसी एक त्रिभुज है, ये दे रखा है एबीसी त्रिभुज, जिसका सी कोण क्या है आपके 90 डिग्री, और कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होके हुए, एम क्या है इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये क्या है आपके बराबर, और समांतर रेखा खींची गई है जो एसी को डी पर मिलती है, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर। और हमें सिद्ध करना है कि डी क्या है एसी का मध्य बिंदु। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4-3 में किया था, वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। जैसे हमने सवाल नंबर इसमें किया था 4 में और 3 में किया था, वैसा ही आपको यहाँ भी करना है सेम, और कुछ इसमें नया नहीं है। कैसे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी से। अब यह क्वेश्चन नंबर 3 के जो, ये त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं हम, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे ही करना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मध्य बिंदु जैसे मैंने समझाया हुआ है, सेम तरीका है क्वेश्चन नंबर 7 का भी, इसका तरीका भी आपके सेम ही है। तो ये एम क्या है, सेम लाइन है लेकिन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखी थी, एम क्या है आपके ए बी का मध्य बिंदु, एम दे रखा है ए बी का मध्य बिंदु, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, और साथ में देख रखा है कि ये और ये रेखा क्या है आपके समांतर है, एम डी समानांतर क्या है बी सी, ये दोनों ही चीज़ें सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। और नियम है कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा का क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि डी क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, लिख सकते हो मध्य बिंदु परमेय का विलोम, मध्य बिंदु परमेय का विलोम लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरा है एम डी लंब है ए सी पर, तो सिंपल है, देखो एम डी समानांतर क्या है बी सी, ये और ये का क्या है समांतर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा आपके बराबर, मतलब कि कोण सी बराबर होगा कोण डी, जिसे कहते हैं संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर। अगर कोण सी अगर 90 डिग्री का है तो कोण डी भी क्या होगा आपके 90 डिग्री का,
तो हम लिख सकते हैं एम डी लंब है ए सी पर, दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है कि सी एम एम ए सी एम, सी एम कहाँ पर है, ये रही सी एम, सी एम बनानी पड़ेगी आपको यहाँ जोड़कर। तो सी एम बराबर एम ए, सी एम बराबर एम ए, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि ये दोनों भुजाएं इस पूरे की क्या है, आधी है, ये सिद्ध करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे हम ये वाला और एक त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, यहाँ 90 डिग्री कौन है, हमने अभी सिद्ध किया हुआ है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दो, एम डी सी और एम डी ए, एम डी सी वह त्रिभुज हो जाएगा आपके एम डी ए से। हमें तीन चीज़ें करनी है बराबर, पहला पॉइंट मैंने यहाँ सिद्ध कर लिया, दूसरा यहाँ सिद्ध कर लिया और तीसरा यहाँ कर लेंगे। सिंपल ही है, हमें तीन चीज़ें करनी है बराबर। नंबर वन, पहला ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, ए डी बराबर क्या है, या ऐसे लिख सकते हो सी डी, सी डी बराबर, या डी सी बराबर क्या है डी ए, ये और ये दोनों क्या है आपके बराबर, डी सी बराबर क्या है डी ए, क्यों है, क्योंकि तो हमने अभी सिद्ध किया हुआ कि डी क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, डी ए सी का मध्य बिंदु, ये हमने पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा, ये वाला कोण एक और ये वाला कोण दो, कोण एक बराबर है कोण नंबर दो, ये हो गया है आपके 90 डिग्री का कोण। तीसरा, ये भुजा ऐसी है एम डी भुजा, एम डी इसमें भी एम डी इसमें भी है, तो एम डी बराबर क्या आ गया है एम डी, ये आ गया है आपके कॉमन। तो दो भुजा है और एक कोण है, तो नियम लग जाएगा एस ए एस द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज एम डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एम डी ए के। अगर सर्वांगसम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो संगत भाग मतलब इसका ये भाग इसका ये भाग, सी एम बराबर क्या होगा एम ए, तो सी एम बराबर हो जाएगा एम ए, ये दोनों भाग और ये दोनों भाग क्या होंगे बराबर, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी। हमने ये तो कर दिया, अब पीछे एक बार तो ये भी लेके आना है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या नाम है, इस पूरी भुजा का नाप लिखेंगे ए बी, ए बी दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, बी एम और ए एम, बी एम और ए एम दोनों को जोड़ने पर आता है ए बी का ए बी। अब मुझे यहाँ एम ए चाहिए, इसको चाहे आप ए एम लिखो या एम ए लिखो एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों बराबर है, जैसे एम ए बराबर क्या है एम बी या बी एम, दोनों बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि एम क्या है ए बी का मध्य बिंदु, ये सवाल के अंदर दे रखा है ए बी का मध्य बिंदु एम, तो ये क्या दे रखा है उसका मध्य बिंदु, इसलिए दोनों क्या है ये और ये बराबर है। तो हम दोनों की जगह एक नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे एम ए या लिखेंगे बी एम, मुझे कौन सा चाहिए एम ए चाहिए, तो यहाँ भी लिखेंगे एम ए और यहाँ भी लिखेंगे एम ए बी का ए बी, एम ए कितनी बार हो गया आपके, दो बार एम ए, गुणा है तो भाग में, तो एक बटा दो ए बी बराबर हो जाएगा एम ए, और एम ए किसके बराबर है आपके सी एम के बराबर है, ये रहा सी एम एम ए, और ये बटा, अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उत्तर तो आपके एक ही होने वाला है।